सिक्योरिटी से वो जब भी रिपोर्ट लेके आते ना तो रिपोर्ट का तहलका मस्ता मार्केट में आपको ध्यान होगा पिछली बार अडानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी और वहाँ से अडानी ग्रुप के शेयर्स काफी अच्छे चले थे आप कौन सी रिपोर्ट उनके पास है क्या डेयरी स्टॉक्स को लेकर वो कोई बात अपनी रखना चाहते हैं विनीत बोलेंचकर इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका करेंगे स्वागत विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए पहली बार की रिपोर्ट का भी शुक्रिया जब आपने अडानी ग्रुप को लेकर सबके सामने अपनी रिपोर्ट रखी थी उसके बाद अडानी एंटरप्राइज देखे ना केवल निफ्टी का हिस्सा बना बल्कि बहुत शानदार चला भी सर इस बार की रिपोर्ट का डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर है और वहाँ पर आपकी रीडिंग्स क्या है देखिए हमें लगता है कि डेयरी प्रोडक्ट बहुत ही एक स्वीट स्पॉट में है क्योंकि इंडिया की ऑर्गेनाइज सेक्टर की पेनिट्रेशन बहुत कम है और अगर आप जिस प्रकार से अमूल ने एफ आई ट्वेंटी टू में अपना स्टेट के बाहर जाके ग्रोथ किया है यू नो वेयर मिल्क प्रोक्योरमेंट हैज गॉन फ्रॉम ट्वेल्व परसेंट टू सिक्सटीन परसेंट इसका क्लियर कट अंदाजा है कि प्राइवेट सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर को काफी अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है वीजा भी अनऑर्गेनाइज सेगमेंट और इंडिया इतनी पेनेट्रेटेड भी नहीं है इन द डेयरी सेक्टर सो हमें लगता है कि एक सेक्युलर रन ये सब स्टॉक्स में आ सकता है बिकॉज ऑफ ऑफ वन थिंग्स दूसरी चीज क्या है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे हमारे घर में पहले दही तो दूध से ही बनती थी पर आजकल चितले के पैक्स बराक मिल्क के पैग्स तो आते ही रहते हैं तो हमें लगता है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स चेंजिंग टेस्ट ऑफ फूड यू नो पीपल ईटिंग मोर चीज पीपल इटिंग मोर पनीर एंड ऑर्डरिंग एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड है प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस सेक्टर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग तो हमें लगता है ट्रेड कर रहा है एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द पैक हमें लगता है कि धोतला और बराग मिल्क फूड्स ऑफर द बेस्ट बैंक फॉर योर बग द रीजन बीइ दैट पराग की वैल्युएशन बहुत ही सस्ती है और उसमें जो इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज थे कंपनी के काफी सॉर्ट आउट हो रहे विद इनकमिंग ऑफ न्यू इन्वेस्टर्स जो काफी रेन कर रहे हैं अगेंस्ट एनी एक्स्ट्रा अगेंस्ट पेंडिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ रहा है और पराग का जो ब्रांड है काफी वेल नोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसकी काफी अच्छी है तो हमें लगता है एट यू नो एट टू नाइन टाइम्स एफ आई ट्वेंटी फाइव अर्निंग्स अपॉर्चुनिटी क्योंकि अगर इनकी स्टोरी प्लेआउट होती है to, तो फिर हमें लगता है कि ये स्टॉक में आपको सबसे ज्यादा गेन्स मिलेंगे दूसरी चीज है कि दोदला ने काफी अग्रेसिवली उनकी मार्केट शेयर ग्रो की है देव ग्रोन अहेड ऑफ ऑल दी अदर कंपनीज एंड वी बिलीव दैट दोदला इज अ वेरी सुपीरियर मैनेजमेंट डूइंग अ लॉड ऑफ गुड थिंग्स तो हमें लगता है कि दोला एंड हेरिटेज सॉरी परा वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बेट्स इन द डेरी सेगमेंट हम लोग को हथसून भी अच्छा लगता है पर वैल्यूएशन कंस्टेंट आ जाता है वहां पर और हेरिटेज फूड में हमें लगता है कि दो द कंपनी इज ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट इसमें मैनेजमेंट का फोकस थोड़ा क्लाउडी uh, है तो इन वजह से हमें लगता है कि ये जो दो स्टॉक हम रिकमेंड करे वो काफी आउट परफॉर्म कर सकते हैं विनीत बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने ये डेटा पॉइंट हमसे शेयर किए ये आप जो बता रहे हैं कि हर एक का सेगमेंट से मेजरली जो पिकअप के चलते 2023 में ये तीन स्टॉक्स हैं जिनपे फोकस होना चाहिए एक और बड़ा जो ट्रिगर है इस पूरे स्पेस के लिए इस साल ये भी रहा कि जो फंड रेजिंग की है जो कैपेक्स भी बढ़ा रहे हैं अपना लगातार चाहे वो राइट्स इशू के जरिए हो वो भी काफ़ी एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे देखना चाहिए फंड्स को कैपेक्स यूटिलाइजेशन में कैपेसिटी एक्सपेंशन में ज़रूर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी शेयर होल्डर की वैल्यू जनरेट होगी तो इसमें क्या है कि काफी सब कंपनी जैसे मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है और कोविड के बाद में राइजिंग मिल्क प्राइसेस यू नो कैटल फीड प्राइसेस आर आल्सो गोइंग अप तो उसमें क्या है आपको जो आपका फार्म सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल मसल इज ओनली विद द प्राइवेट प्लेयर्स जैसे अमूल है अलोंग विद दिस आप अगर अमूल का ग्रोथ रेट देखेंगे इन द कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स वो इतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद भी जो एडेड प्रोडक्ट्स में है उसकी ग्रोथ थर्टी परसेंट प्लस रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आइसक्रीम्स चीज वे प्रोटीन दही ये सब में काफी एग्रेसिव ग्रोथ आई है तो हमें लगता है कि ये जो डेयरी सेगमेंट है ये पूरा अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की ग्रोथ की वजह से काफी अच्छी तरह से बढ़ जाएगा दूसरी दो चीज जो हमें देखनी चाहिए कि इनके जो केपेक्स प्लान आर इन प्लेस स्वेटिंग ऑफ एसेट्स भी अभी अच्छी तरह से हो जाएंगे और तीसरी चीज है कि हमें लगता है कि फूड इन्फ्लेशन अभी अपनी यू नो पिकिंग आउट की कगार पे है और इसके बाद में आफ्टर अ कपल और टू क्वार्टर्स इनके मार्जिन एक्सपेंशन भी चालू हो जाएंगे ड्रिवन बाय लोअर्ड कॉस्ट प्लस इंक्रीज इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स राइट ठीक है एब्सोल्युटली विनीत तो बात-बात शुक्रिया आप ये सारा एनालिसिस हमें शेयर करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और डेटा पॉइंट आप लेकर आए तो दो के लिए तो नजर जरूर व्यूवर्स को डेयरी स्टॉक्स पर रखनी चाहिए